आज हमारे पास ये प्रोग्रामर है जिसको हम इडिट भी बोलते हैं और भी इसके कई नाम हैं, और मैं इसको इडिट के नाम से संबोधित करना चाहूँगा। पहली चीज़, इस प्रोग्रामर की खासियत ये है कि बहुत ही सरल प्रोग्रामर है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसमें GABCDE लिखा हुआ है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो EN के लिए यूज होते हैं, ये वाले पॉइंट है जो नवटन के लिए यूज होते हैं, ये वाले जो पॉइंट है जो आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर के डॉट्स हैं, इसको एडिट पोजीशन के लिए यूज़ किया गया है, जैसे जो कि आपके LCD और LED में यूज होते हैं। ये इसमें बजर दिया हुआ है, बाकी ये इसकी ICयां हैं, और ये इसमें कनेक्शन का पॉइंट दिया हुआ है। ये कनेक्शन पॉइंट के लिए एक एक्सटेंशन केबल यूज़ की गई है, ये बोर्ड के लिए। ये बोर्ड आपके 0.1 mm जैक को 0.8 mm जैक में कन्वर्ट कर सकता है, 0.8-0.5 mm जैक में कन्वर्ट करेगा। इसमें 7 तरीके की केबल है। इसमें आपका जब आपको ENE प्रोग्राम करना होगा तो आपको इस तरीके की केबल की यूज़ करनी होगी। ये केबल इसमें फिट हो जाती है। जो ग्राउंड का सिरा है वो G के ऊपर ही आता है। ये हमारा ग्राउंड माना जाता है, ये हमारा ग्राउंड है और ये हमेशा G के ऊपर आएगा। तो ये दो पॉइंट एक साथ आप देखेंगे प्रोग्रामर में जुड़े हुए हैं, दो एक साथ। हर प्रोग्रामर का रंग अलग अलग है, इसका जैसे मेरे में लाल दिया हुआ है, किसी में येल्लो, किसी में नीला, अलग अलग दिया हुआ है। इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये दोनों आपस में सेम है, दोनों की आपस की कंटिन्यूटी है। हमें ENE का प्रोग्राम करने के लिए ये पर्टिकुलर पॉइंट का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमको नवटन यूज़ करना है तो नवटन के लिए ये जैक यूज़ होगा। इसका एक बोर्ड अलग से आता है, वो हम अपने अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये जो चीज़ है, ये पर्टिकुलर चीज़ आपके एडिट के लिए है, जो कि आपके LCD प्रोग्रामिंग के लिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस जैक को सीधा इसके ऊपर फिट करना है और जैक ऐसे करके आपका बैठेगा। आप इसको सीधी सिंपली लगा के वहाँ पे ले जाके प्रोग्रामर में ऑप्शन है आपका एडिट रीडिंग करके, आप वहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करके आराम से इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान प्रोग्रामर है। अगर आपको ITE को प्रोग्राम करना है तो आपको केबल लगा के आपके प्रोग्रामर में ऑप्शन दिया रहेगा आपके बोर्ड पर, अगर आपको जाके उसको सेलेक्ट करना है और आपको जाके सिंपली उसको प्रोग्राम करना है। आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 32। कुछ प्रोग्रामर में आप पाओगे कि ये जो केबल है, ये केबल ट्विस्ट होके लगती है, तब प्रोग्रामर के अंदर में एक ऑप्शन होता है पिन सेलेक्ट इज 1 or not। अगर वो 1 ये ट्विस्ट होके लग रही है, इसका मतलब कि ये केबल आपकी ऐसे जाती है और ये ट्विस्ट हो जाती है, इस तरीके से घूम जाती है, इसका मतलब पिन नंबर 1 पिन नंबर 32 हो जाता है। और आपको अंदर पिन नंबर 1 पिन नंबर 32 हो जाता है अगर ये केबल ऐसे ट्विस्ट हो जाती है, ये पीछे की तरफ आएगी तो ट्विस्ट हो गई, और ये आगे की तस्वीर में हमेशा ऐसे ही लगेगा, यहाँ से ये हमेशा ऊपर की तरफ ही रहेगा, लेकिन बोर्ड में आकर जब ये केबल ऐसे लगेगी तो ये ट्विस्ट हो जाती है, 132 बन जाता है। तो आपको प्रोग्राम में सेलेक्ट करना पड़ेगा वहाँ पर जाके कि दिस पिन नंबर 1 इज़ नॉट पिन नंबर 1, और उसके बाद में जैसा वहाँ पर कनेक्शन रहेगा आपको वो सेलेक्ट करके काम करना पड़ेगा। अगर ये भी बात IT की है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन अगर बात ENE की है तो आपको जंपरिंग के टाइम उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। थैंक यू।